मैं अनुजर के पास आऊंगा। बड़ी खबर, गा हमास के अंत तक ये हम क्यों कह रहे हैं। अगली खबर देखिए, गाजा में इसराइल का विनाशकारी हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। आईडीएफ ने गाजा में रात भर बरसाए बम। वीडियो देखिए जरा, बीती रात हमास के 100 ठिकानों पर हमले का दावा है। यह सिर्फ एक इलाका है, नॉर्दर्न गाजा है। हमास की कई इमारतों को जमीन दोज कर दिया गया। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए रात भर बम बरसाए गए हैं। सैटेलाइट तस्वीरें उसकी सामने आई हैं। ये देखिए, इस सब के बीच में अगली खबर, ये देखिए फ्लोर ब्रेकिंग है शायद। अगली खबर सीधे मेरे बगल में दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। 24 घंटे में गाजा पर 200 से ज्यादा हमले। ब्रेक करिए मेरे बगल में, ये देखिए जरा, 24 घंटे में गाजा में 241 लोगों की मौत। 24 घंटे में गाजा में 382 लोग जख्मी। 24 घंटे में गाजा में मारे गए 3 इजरायली सैनिक। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉट, ये इस वक्त की बड़ी खबर। 24 घंटे में गाजा में तबाही की तस्वीर, ये देखिए जरा। सीधा ये इस वक्त की बड़ी खबर, 82 दिन मौत का आंकड़ा जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए, 24 घंटे 241 मौत, ये इस वक्त की बड़ी खबर। 382 जख्मी, अब तक गाजा में 21,000 से ज्यादा की मौत हो गई है। 55,000 लोग जख्मी हैं। लेबनन में 24 घंटे में 3 की मौत हुई है। अब तक लेबनन में 150 मौत हो चुकी है। अब तक वेस्ट बैंक में 311 की मौत और करीब करीब 3,500 जख्मी है। यहीं से लीजिए अगली बड़ी खबर, गाजा में हमास पर IDF का टैंक अटैक। ब्रेक करिए, गाजा में हमास पर IDF का टैंक अटैक, ये देखिए जरा। विस्फोटक लगा रहे हमास लड़ाकों पर हमला, ये देखिए जरा। एंटी टैंक माइन बिछा रहे हमास लड़ाके, ये देखिए। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, वीडियो को फिर से प्ले करिए, ये देखिए हमास पर टैंक ब्रिगेड का अटैक। ये देखिए जरा किस तरीके से अटैक चल रहा है गाजा में। ये इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, पूरे गाजा पट्टी पर IDF का ग्राउंड ऑपरेशन। ब्रेक करिए वीडियो के साथ, हमास लड़ाकों पर फायरिंग करते दिखे इजरायली सैनिक। वीडियो के साथ ये देखिए जरा, ये देखिए जरा, गुरिल्ला अटैक कर रहे हैं हमास लड़ाकों पर हमला, ये देखिए एमएन साहब, ये देखिए बहुत बड़े शॉट दिखाई, ये देखिए LMG से अटैक किया जा रहा, घरों में छिपकर हमास पर जबरदस्त फायरिंग। मैं चाहूंगा दोनों वीडियो दिखाइए, राइट और लेफ्ट। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली नेवल ट्रूप से भी किया बड़ा हमला, ये भी बड़ी खबर आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए किस तरीके से अटैक किया गया। एम्बियंस राइट वाले का एम्बियंस, अब करिए क्विक रिएक्शन PIT में। सर गुरिल्ला वॉरफेयर, हमास टैंक ब्रिगेड वहां पर है, इनके इन्फेंट्री ब्रिगेड है, क्या आपको लगता है ये पूरे गाजा को कंट्रोल कर पाएंगे? बहाल सर क्विक रिएक्शन। ये बहुत ही मुश्किल है, जब भी एम्बुश टैक्टिक्स का इस्तेमाल कौन करते हैं, वो गुरिल्ला लीडर्स ही करते हैं, और उसी का फॉर्मूला हमस अप्लाई कर रहा हो। उसको कंट्रोल तो किया जा सकता है, लेकिन उसको कभी भी पूरी तरीके से दबाया नहीं जा सकता। और वो कहाँ शुरू होगा, खासकर जब इनके टनल्स हैं, और जो टनल्स पूरी तरह स्प्रेड आउट है, तो एक जगह से निकल के वो दूसरी जगह फटाफट चले जाएंगे, तो इसमें सिविलियन ही मारे जाएंगे। और ये इसलिए भी होगा क्योंकि सिविलियंस का वो सामने अपना पूरा सपोर्ट लेके ही अटैक्स करते हैं, तो कहीं ना कहीं गुरिल्ला को अटैक्स को सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के साथ ही काउंटर किया जा सकता है, और वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करने बहुत मुश्किल है इस समय। सर आप मेरे साथ बने रहिए, लेकिन हमारे दर्शक जितने भी हैं, हमास के अंत तक ये खबर मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन हमास जो है वो मेजर अटैक कर रहा है। अगला वीडियो जरा ध्यान से देखिएगा, गाजा में हमास का विध्वंसक गुरिल्ला वॉर। ब्रेक करिए, हमास का IDF के काफिले पर हमला। ब्रेक करिए वीडियो के साथ, ये देखिए जरा हमास का RPG से इजरायली जीप पर हमला, ये देखिए देयर इट गोस, ये देखिए शॉट, हमास के RPG हमले में तबाह हुई मिलिट्री जीप। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, हमास का RPG अटैक, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए हमास का RPG अटैक, ये देखिए IDF की जीप, और उसमें कई जवान भी थे, यकीन मानिए, देयर इट इज, ये देखिए। और ये बल्कि बख्तरबंद गाड़ी है जिसको उड़ा दिया गया। ये देखिए हमास ने जो अटैक किया है, ये हमास का अटैक है IDF की जीप पर। तो आप जो आंकड़े देख रहे हैं कि IDF के इतने लोग मारे गए, इतने लोग शहीद हो गए, वो आंकड़ा गलत है। कैजुअल्टी इससे कहीं गुना ज्यादा है।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, बड़ी खबर उत्तरी गाजा में भी अभी भी डटे हमास के लड़ाके। ब्रेक करिए वीडियो के साथ, जवालिया कैंप में हमास लड़ाकों का आईडीएफ पर हमला, ये देखिए वीडियो देखिए जरा, घर में छिपे आईडीएफ सैनिकों पर अटैक किया गया, ये देखिए जरा, फिर से वीडियो प्ले करिए। आईडीएफ के सैन्य वाहन पर मोर्टार लॉन्चर से हमला किया गया, ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, डैमेज टैंक ले जाते दिखे आईडीएफ सैनिक, ये देखिए जरा, इस वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए, किस तरीके से अटैक किया गया है उसका वीडियो आपके सामने, ये देखिए जरा। मैं चाहूंगा ये दोनों वीडियो एक साथ दिखाइए, हमास का जो अटैक है वो हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए जरा, ये सोची बड़ी खबर, ये है हमास का सबसे बड़ा अटैक और ये अटैक है आईडीएफ के ऊपर, ये देखिए जिसका वीडियो मैं दिखा रहा हूं, किस तरीके से अटैक है, एक तरफ घर में आरपीजी से अटैक किया गया है, दूसरी तरफ बख्तरबंद गाड़ी उड़ा दी गई है, राइट वाला वीडियो फुल फ्रेम पे एक बार फिर से दिखाइए जरा, ये देखिए अल कासम ब्रिगेड का अटैक, ये देखिए जरा, और ये अलग अलग घरों में छुपे आईडीएफ के लोगों पर अटैक किया जा रहा है, और ये देखिए टूटा हुआ टैंक, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, आईडीएफ पर अल कासम ब्रिगेड का हमला, ब्रेक करिए जरा, आईडीएफ के कब्जे वाली इमारत पर रॉकेट अटैक किया गया, विद वीडियो दिखाइए जरा, ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, आईडीएफ को भारी नुकसान पहुंचने का दावा किया गया, ये देखिए जरा, अल कासम ब्रिगेड ने जारी किया वीडियो, ये देखिए, ये देखिए किस तरीके से अटैक किया गया है, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए, ये आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट, ये देखिए जरा, लेकिन आज की बड़ी खबर हमास के विनाश तक गाजा में जंग, ब्रेक करिए, फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली पीएम की हमास को धमकी, विद द वीडियो, नीचे ऊपर और आसमान में आईडीएफ हमास के तक पहुंचकर रहेगा इसराइल, ये नेतन्याहू ने कहा है, सीधे ये तीन विंडो जरा चार विंडो दिखाइए, नेतन्याहू को हमास की धमकी, तीन दिन में लगातार तीन बार नेतन्याहू अलग अलग धमकी दे चुके हैं, सीधे दिखाइए जरा, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, हमास के विनाश तक गाजा में युद्ध चलेगा, यह बड़ी खबर है, और यह बड़ी खबर मैं आपको क्या दिखा रहा हूं, सीधा आइए दिखाइए जरा नेतन्याहू, और इसकी टाइमिंग देखिए जरा, ये टाइमिंग साफ दिखाई दे रही है कि किस तरीके से, ये देखिए 25, 26 और ये देखिए एक और खबर 27 दिसंबर नेतन्याहू लगातार धमकियां दे रहे हैं, और तब भी खासकर तब भी जब बातचीत फेल हो गई है, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं।